नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मैं चुनाव के पहले भी आया था और चुनाव के बाद भी मैं माँ के दर्शन करने आया हूँ। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा में मजबूती से अपना योगदान देते रहें। हमें जो बहुमत दिया गया उसके लिए मैं प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूँ। पहले स्वतंत्रता तरीके और टेकिंग सेरेमनी से पहले आज आपने माँ कामाख्या का दर्शन किया है, तो हरियाणा वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि माँ कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी माँ के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं माँ कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूँ। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं।